हे एवरीवन, ये ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना। देखिए, मैंने फ्रंट वेरिएशन के बाल अलग कर लिए हल्का सा बाउंस देने के लिए, नॉट पफ, जस्ट फॉर अ बाउंस। मैं थोड़ा सा बैक कॉमिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने टाई कर लिया है टाइटली एक पोनीटेल। पोनीटेल टाइटली टाई करने के बाद हम लगाएंगे एक डोनट, और डोनट में जो आए हुए बाल हैं उनको चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके रबर बैंड टाई करके मैं इस तरह से होल्ड कर लूँगी एक यूपिन के हेल्प से। इसके बाद हम जो भी सारे बाल हैं उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, और इसी तरह से हम लोग ईच पार्ट जो है उसका भी फोर पार्ट्स में डिवीजन करेंगे। जैसे एक पार्ट को लेती हूँ, उसमें हल्का सा बैक कॉम करती हूँ, फिर हार्ड स्प्रे यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने स्वार्ज़कॉफ का टैफ्ट यूज़ किया है, फिर दो फिंगर में रोटेट करते हुए उसको मैं पेटल की तरह यू पिन या फिर बॉबी पिन से होल्ड कर लूँगी। छोटा वाला यूज़ करना ताकि आपको तकलीफ ना होल्ड करने में। इसी तरह से देखो, आप बाहर की तरफ इसको रोटेट करते हुए करना, जैसे कि एक फूल का शेप आ जाए। दो पार्ट्स हो गए, अब तीसरा और चौथा पार्ट भी मैं इसी तरह से करूँगी। जो हमने फोर पार्ट्स किए थे डोनट के आए हुए बाल, उन हर पार्ट को हम चार चार पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से बनाएंगे। आप थ्री पार्ट्स वाले भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। देखो, तीन भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये रहा फोर पार्ट, एंड इसको भी मैं उसी तरह से रोटेट करके प्लेस कर लूँगी। हार्ड स्प्रे मारना ज़रूरी है तो ही वो अच्छी तरह से होल्ड होगा। इट्स रियली ईजी, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे टैग करना। फ्रंट वेरिएशन आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। थैंक यू।